साड़ियाँ मैं ले रही हूँ। ये लेना आरती, मना थोड़ी करेंगे। प्रतिभा, बग्गा, तेरी बहन के लिए कौन सी साड़ी लेनी है? प्रतिभा देख, बैठ, ये देख कैसी है, अच्छी है ना? अच्छी है। कीमत नहीं देखते, देते समय कीमत बिल्कुल नहीं देखते। देते समय हाथ पीछे खींचना हमें शोभा नहीं देता। बाबा, आप जो हो रहा है वहां वो देख और सुन तो रहे हैं ना? दीनू, मैं बिना देखे देख भी रहा हूं और समझ भी रहा हूं। और जहां मेरी पत्नी और मेरी बहन एक साथ हो तो उस वक्त चुप रहना ही अच्छा होता है। समझ गया ना दीनू? समझ गया ना? कैसी साड़ियां लाए आप? ये ऐसी साड़ियाँ हम अपनी काम वाली को भी नहीं देते। शादी के लिए साड़ियाँ चाहिए। ओरिजिनल पैटर्न ही है, सोने की जरी का वर्क है इसमें। जीन, बहुत सुंदर है आई। कितने की है? 40,000 की है। 40,000? आप हमें कुछ और दिखाइए ना। क्यों, अच्छी नहीं लगी? आई अच्छी है, बहुत अच्छी है, पर 40,000? कहा ना, कीमत मत देख। अनु की दीदी बनकर सोचोगी ना तो ये महंगी लगेगी। प्रधान घर की बहू बनकर सोच। तू अपनी देवरानी के लिए ले रही है, अपने घर की हैसियत के बारे में सोच। अगर वैसे सोचा तो 40,000 की साड़ी तो सस्ती है। क्यों आरती? हाँ वहिनी, इस घर की प्रतिष्ठा और परंपरा का सवाल है। वहिनी बिल्कुल ठीक कह रही। नहीं, ये सब जो भी चल रहा है उसके पीछे मकसद कुछ और ही है। आखिर चाहती क्या है? आई जब ज्यादा प्यार जताती है तब चिंता होने लगती है। अरे जिनमिल उस्ताद, ये क्या हो रहा है? आई छोड़ो ना, ये लोग सामान काई को फेंक रहे। अरे ये झिलमिल से पूछ, हीरा अम्मा का पैसा चोरी किया इसने और कोई नहीं मिला था इसको, इसी की वजह से सब तकलीफ हो रहा है। जिनमिल उस्ताद, तूने चोरी की? नहीं, मेरी उस्ताद ऐसा कभी नहीं कर सकती। ए, तलाशी लो, पूरा घर खोल डालो। अरे जिनमिल उस्ताद, ये कलवा क्या बोल रहा है? सच्ची बोलना, तूने मस्करी की अम्मा के साथ? बोलना, तूने चोरी किया पैसा? दे देना वापस। देख ये लोग सब तोड़ फोड़ कर रहे। इधर तो क्या, इधर भी अम्मा का पैसा नहीं मिलने वाला। और आएगा कहां से? कहां से आएगा? तूने चुराया नहीं तो छुपाएगी कहां से? लेकिन झिलमिल, अब तेरी बात सुनेगा कौन? हाँ झिलमिल, हीरा अम्मा को तो पूरा विश्वास हो गया कि पैसा तूने ही चुराया है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से तूने मुझे फंसाया। अब तू गई झिलमिल, गई तू। क्या बात है वहिनी, क्या चाल चली है आपने? बिना गेंद फेंके ही सब पिट्ठू गिरा दिए। अब तो किसी को हम पे शक भी नहीं होगा।
देखो ना, जब वक्त आएगा तब लगोरी के सारे पिट्ठू चित। चुप बैठ हरती, कोई सुन न ले। भाई के मन में जो भी चल रहा है अच्छा नहीं। पता नहीं अब कौन सा तूफान आने वाला है। क्या हुआ कलुआ, कुछ मिला के नहीं? जो बोली कि नहीं छुकरिया। अरे नहीं अम्मा, तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। झूठ पे झूठ बोले जा रही है। हाँ मालूम किधर छुपा के रखा पैसा इसने। बता दे बिटिया, वरना हम तो हर जबान काट दे। हाँ मेरे को नहीं लगता ये इतनी आसानी से मानेगी करके। अरे इसका मुंह खुलवाना हमें बहुत अच्छे से आता है कलुआ। चिड़िया का जान चिड़िया की आई में है। ले जाओ इसे। तोरी आई को तब छोड़ेंगे जब तू हमारा 2,00,000 रुपया वापस करेगी। जिस तरह हमरी तिजोरी पे हाथ साफ किया उसी तरह किसी और तिजोरिया पे हाथ साफ करके हमारे रुपये का जुगाड़ करके दे। तब तक तोरी आई हमारे पास रहेगी। Give me